गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केटशाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। वर्ल्ड मार्केट का जो हैंडओवर है थोड़ा न्यूट्रल साइड पे है। यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा गिर के बंद हुए हैं, यूएस मार्केट्स में थोड़ी रेजिलियंस जो है दिखाई दे रही है, इंडियन विक्स जो है थोड़ा सा बढ़ करके बंद हुआ है, कल 15.16 के लेवल्स पे है। अभी क्रूड ऑयल जो कि एक मैंने वीकेंड पे काफ़ी गिर गया था, वो अभी कल के ट्रेडिंग डे के अंदर जो है बढ़ के फिर जो है 70 के आसपास आ गया है, 69 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है किसी भी तरीके से ज़्यादा कमज़ोर होने को लेकर के तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फेड चेयर मिस्टर पॉवेल ने बोल दिया है कि भाई हम यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट के कट करने की, क्योंकि हमें इकोनॉमी ठीक ठाक नज़र आ रही है। और उसके चलते बॉन्ड यील्ड्स जो हैं 4.41 पे एकदम अडिग खड़े हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत जो है इक्विटी मार्केट्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से, बुलिश साइड के परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं माना जाता है। पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर बना हुआ है 0.71 के ऊपर। इंडियन मार्केट का जो सेंटिमेंट है अभी भी कमज़ोर है, क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं चार्ट, इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि मार्केट में अभी भी रिकवरी नहीं है कहीं पे भी, और मार्केट ने जो है 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 200 डीए में उसको भी ब्रीच करते उसके नीचे क्लोज दे दिया है, और उसके चलते अभी भी मार्केट में वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। और अपने पीक से अभी जो मार्केट है वो 10.80% 10.80% जो है गिर चुका है अपने पीक से, जो कि उसने बनाया था 27 सितंबर को। और कल की मार्केट जो है लगभग 0.34% गिर के बंद हुई है, 78 पॉइंट का नुकसान जो है कल इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने झेला है। और चार्ट में जिस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है इस वजह से, और मार्केट का जो आउटलुक है वो हमने वीक साइड पे ही रखा है। DIIs और FIIs का कल भी जो है एक अच्छा खासा रस्साकसी चलता रहा। DIIs ने हालांकि बाजी जो है मारी है, 2330 करोड़ की खरीदारी DIIs ने करी, FIIs की 1403 करोड़ की बिकवाली के अगेंस्ट में, तो थोड़ा बहुत जो है संभालने का FIIs की सेलिंग को कोशिश किया। लेकिन एडवांस और डिक्लाइन रेशो यानी कि घटने और बढ़ने वाले शेयरों का जो अंतर है वो घटने वाले शेयर्स की तरफ रहा, जहां पे कि उन 941 शेयर्स बढ़ के बंद हुए और उसके अगेंस्ट में 1563 शेयर्स गिर के बंद हुए। इस वजह से पोर्टफोलियोज में भी थोड़ी सी लालिमा यानी कि थोड़ी कमज़ोरी जो है दिखाई दे रही होगी। अब देख लेते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं इंट्राडे ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है उन्हें कौन से लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। निफ्टी का कल का हैंडओवर था 23,513, रुकावट आने की संभावना है 23,561 से 601, 23,900, और तीसरा जो सप्लाई जोन यहां पे दिखाई दे रहा होगा 24,068। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 23,390, 23,069 और 22,722 के ऊपर। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी का एक दिन पहले का जो हैंडओवर रहा है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का कल रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी का जो हैंडओवर हम देख रहे हैं 50,408 के ऊपर, रेजिस्टेंस जो आएगा 50,576, 51,217 और 51,605 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 50,374, 50,296 और 50,066 के ऊपर। चलिए देख लेते हैं आज स्टॉक ऑफ द डे का जो कोई आइडिया है कि नहीं है। हाँ, आज जो है स्टॉक ऑफ द डे आपके लिए है, स्टॉक का नाम है कैपलिन पॉइंट लैब। हाँ जी, 19 तारीख को इसको हम बाई करके चलेंगे और इसका जो बाइंग प्राइस रहेगा करंट मार्केट प्राइस के आसपास 1988-89 के आसपास रहेगा, और स्टॉप लॉस इसका हमने रखा है 1911 रुपये। टारगेट जो इसका रहेगा 1:2 के हिसाब से 2140 रुपये का है। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है 1:2 का हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। आई होप ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए साबित होगा। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, ट्रेड करने से पहले जो एक चीज़ आपको समझनी है वो ये कि ट्रेड करना आना ज़रूरी है, क्योंकि लेवल्स पता होने से ही ट्रेड्स नहीं होते हैं। ट्रेड एक आर्ट है, जहाँ पे कि आपको कहाँ पे पोजीशन एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस अपना डिफाइन करना है, स्टॉप लॉस का रिस्क एंड रिवॉर्ड किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। उसके लिए सीखना पड़ेगा, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमारा कल जो है ब्लॉग पोस्ट एक हमने रिलीज़ किया है। ब्लॉग पोस्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट है कि ये जो बिकवाली है FIIs की, ये रिटेल्स के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है,
या एक ट्रैप है जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएगा, और अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है तो किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारी वेबसाइट markshala.com को विज़िट करें। वहाँ पे डे ऑन डे बेसिस पे, डे ऑन डे तो नहीं कहूँगा, हर 2-3 दिन में एक अच्छा फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ब्लॉग आता है जो कि आपको एक अच्छा इंसाइट देगा अपने इन्वेस्टिंग बिजनेस को आगे लेके बढ़ने का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, क्योंकि जुड़े रहेंगे तो सीखते रहेंगे, और सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। बाय बाय।